हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि आज है पूर्णिमा, तो वही पूजा करते वक्त मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है आज, क्योंकि हर वक्त दूसरा दिन दूसरा चीज़ दिखाती हूँ। आज सोचा मैं पूजा कर रही हूँ वो दिखा के ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज पूर्णिमा है इसलिए भगवान को थोड़ा मिठाई भोग दे रही हूँ, और आज रक्षाबंधन है। आज का दिन मैं भाई को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ऐसे ओकेशन पे घर बहुत याद आती है, पर इतना दूर रहती हूँ कोई भी ओकेशन में, मतलब वहाँ पर रह नहीं पाती हूँ। शादी का 6 साल हो गया, 6 साल में एक बार भी मैंने भाई को रक्षाबंधन पे राखी नहीं पहनी, पहनाई ना ही भाई दूज किया है। पता नहीं कब होगा ऐसा, कभी रक्षाबंधन के टाइम में अगर भाई आए या फिर मैं जाऊँ तो ही शायद मैं राखी बांध पाऊँगी। तो वही अभी पूजा कर रही हूँ, तुलसी का पत्ता दे रही हूँ भोग पे, तो हो गया। और देखिए फूल बहुत कम था, आज का दिन अगर थोड़ा फूल ज़्यादा होता तो अच्छा होता। फिर भी अच्छा लग रहा है, घर का पेड़, घर के पौधे का फूल मतलब मैंने भगवान को चढ़ाया है। और अरिंदम जाएंगे, अरिंदम का बहन यहीं पे रहते, तो अरिंदम जाएंगे अपने बहन के घर में, मैं भी जाऊँगी, एक साथ ही जाएंगे राखी पहनने, और वहाँ पर डिनर करेंगे। डिनर करके फिर आ जाएंगे रात को। तो पूजा हो गया है मेरा, अभी अभी पेट पूजा का टाइम हो गया है। तो लंच में मैंने बनाया आज सोयाबीन की सब्ज़ी और एग फ्राइड राइस। तो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि अरिंदम मीटिंग पे बिज़ी थे, फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद फिर फ़ोन पे लग गए हैं, फ़ोन पे बात करने में। तो परी को मैंने डिनर करा दिया, सॉरी लंच करा दिया है। अभी मैं भी थोड़ा खा ले रही हूँ, मतलब मेरा थोड़ा मूड ऑफ ही है देखिए, क्योंकि अरिंदम को टाइम ही नहीं मिलता, वो टाइमली खाते भी नहीं है। 2:30 बज चुके थे तो इतना देर मुझे बैठने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। एक बार सर्व करने के बाद फिर खाने को ऐसे छोड़ना मुझे एकदम भी पसंद नहीं है। तो उसने मुझे बोला है कि मीटिंग ख़त्म हो गया, ठीक है सर्व कर लो, तो मैंने सर्व कर दिया, फिर वो फ़ोन पे लग गए, तो इसलिए ऐसा हो गया। तो ऐसे घर में रहने से छोटा मोटा होता ही है सभी का, तो इसलिए थोड़ा मूड ऑफ करके मैं खा रही हूँ। मैंने सोचा मैं फटाफट ख़त्म कर देती हूँ, फिर वो जब खाए खाए, क्योंकि मुझे फटाफट लंच ख़त्म करके परी को सुलाना भी होता है। तो अभी देखिए ये वीडियो ना परी ने शूट किया है, तो इसलिए मैंने रख दिया है। तो हम लोग खतरों के खिलाड़ी देख रहे थे, तो उसने देखिए कैसे वीडियो किया है, तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो को ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ। की लगबे ओ आर की नेबे देखो तो की नेबे नाओ ची जमा खाना सो अभी जाएंगे अरिंदम रक्षाबंधन पे अपने बहन के पास राखी पहनने। तो मैं ये ड्रेस पहन के जाऊंगी सुबह जब पहना, वैसे भी नया ही है, 3-4 बार शायद पहना है मैंने लाने के बाद। तो आज पूर्णिमा था, पूजा किया इसलिए मैंने ये पहना था, तो अभी और चेंज नहीं करूंगी। वैसे भी मैं आज साइड पार्ट हूँ, मेरा कुछ यहाँ पर है नहीं, वो लोग ही राखी बांधेंगे पहनेंगे, मेरा तो भाई उधर है, मेरा रक्षाबंधन और किया, तो मैं यही पहन के जाऊँगी। परी को रेडी कर दिया है, तभी निकलूँगी बस। अरिंदम का एक मीटिंग चल रहा है, वो ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे। और कुछ भद्रकाल या कुछ है तो 9 बजे के बाद ही शायद राखी पहनाएंगे, तो उसके बाद डिनर करके आ जाएंगे, आते आते 11 बज जाएगा शायद। तो चलिए निकलते हैं। अभी मिट्टी भाई जाबो ये तुम्हारा हेयर स्टाइल वो दिखे पापा दिखे देखो
सो ये कुछ राखी के फोटोज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है क्योंकि मैंने वीडियो नहीं लिया था। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।